लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने महिला, युवा, किसान, गरीबों को घोषणा पत्र किया जारी। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय शुक्ला ने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर एक प्रेस वार्ता निवास पर आयोजित की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र न्यायपत्र नाम से जारी कर दिया है। न्यायपत्र में तमाम वर्गों और क्षेत्रों के लिए कुल 25 गारंटियों पर जोर दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदम्बरम और कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने इस घोषणा पत्र को न्यायपत्र नाम दिया गया है। इसमें तमाम वर्गों के लिए न्यायपत्र जोर दिया गया है, जिसमें महिला, युवा, किसान, गरीब आदि शामिल हैं। पार्टी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी बड़ी समस्या है और ये सरकार अमीरों के लिए है। 48 पन्नों के न्याय पत्र में तमाम वर्गों और क्षेत्रों के लिए न्याय के 10 स्तंभों पर जोर दिया गया है। अजय शुक्ला ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान आज जो इंडिया गठबंधन में जो हम लोगों का कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो जो जारी हुआ है, जिसको हमारे खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी ने जो आज हमारा मैनिफेस्टो दिया, उसी को उपलक्ष्य में हम लोग आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा जमीनी स्तर की बात करी है, जनता की बात करी है, न्याय की बात करी है। जिस तरीके से मोदी सरकार और योगी सरकार झूठे वादे करके, झूठी बातें करके फिर दोबारा आ रही है, कांग्रेस के वही सब चीजें हैं कि जो भूमिहीन है उनको भूमि देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके सामान्य तरीके से वितरित करी जाएगी और जो पट्टे हैं, जो एक साल में पट्टे का निराकरण भी उनका करा जाएगा। स्वास्थ्य जो और न्याय में 25 लाख रुपए तक की जो निःशुल्क इलाज है उसको वो करा जाएगा। जो हमारे एजुकेशन में समय जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे पूरे भारतवर्ष में है, जिसका कोई ध्यान नहीं दे रहा, सबसे ज्यादा हमारी आबादी हमारे युवाओं की है, उसके लिए जो डिप्लोमा धारक या स्नातक के लिए एक साल के अप्रेंटिस का कार्यक्रम दिया जा रहा है और 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष मानदेय उनको दिया जाएगा। सरकार ने जो है 30 लाख पदों को भरा जाएगा, जो सरकारी पद हैं जो खाली पड़े हैं वो मेरे राहुल जी ने कहा है, जो गवर्नमेंट आने के बाद 30 लाख पदों पे हम लोग उसकी भर्ती करेंगे। और जो सबसे बड़ा जो है, जो छोटे क्लासों में एक पहले क्लास से लेकर 12 क्लास तक की शिक्षा जो है निःशुल्क दी जाएगी, जिसमें मोदी सरकार ने कोई भी काम नहीं किया। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जगह जगह आपने इन्होंने फार्म भरवाते हैं, फिर वो लीक होते हैं पेपर और फिर वहीं के वहीं चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये करी कांग्रेस ने, जो लोग ये फार्म भरेंगे वो निःशुल्क फार्म भरे जाएंगे, उसका कोई पैसा उसमें नहीं लिया जाएगा। जैसे कृषि इनपुट है, कृषि यंत्रों में अभी तक GST का 18% और 12% का टैक्स लिया जाता है। भारत हमारी गवर्नमेंट आते ही, कांग्रेस की गवर्नमेंट आते ही, जो कृषि प्रधान देश है उसको देखते हुए उसमें जो है GST की पूरी पूरी छूट उसमें दी जाएगी। और जो सबसे बड़ा जो है 400 रुपए जो न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन की गारंटी जो हमने दी जाएगी, मनरेगा के तहत भी जो मजदूरी है वो बढ़कर हम लोग 400 रुपए प्रतिदिन की जाएगी। जो मनरेगा में अभी मोदी सरकार कोई काम नहीं कर रही है न, और मनरेगा जो कांग्रेस की जीवी चीज थी उसको खत्म करने का काम करा है। कांग्रेस की गवर्नमेंट आते ही 400 रुपए प्रतिदिन जो है मनरेगा में उसमें दिए जाएंगे। और ये सिर्फ हम लोग कहते नहीं, हम लोग करते हैं। जहां हमारी सरकारें हैं, पंजाब में हमने करके दिखाया, हमने जहां जहां हमारी गवर्नमेंट है हमने करके दिखाया, और इसी चीजों को लेके हम लोग फिर से मैदान में हैं। और उम्मीद है कि जिस तरीके से ये मोदी और योगी सरकारें ये लोगों को लड़ाई झगड़ा करवा के करना चाहती हैं, अब देश समझ चुका है और न्याय के प्रति वो कटिबद्ध है और वो चाहता है कि कांग्रेस दोबारा आए, अमन और चैन लाए।